बांग्लादेश लड़का है देखो। हाँ भाई पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं यार, ये तो इलीगल घुस गया। ये तो इलीगल घुस गया। इसके हैं, ये तो बांग्लादेशी है। ये बिस्किट है ना, कितने की है ये? 100 रुपया। जब बांग्लादेश वाले वीज़ा लेकर आते हो ना इधर से डॉक की तरफ से, तो देखते हैं वेलकम टू इंडिया गाइज फॉर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन फैसिलिटी। यार अपना भारत तो है ही, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। हम लोग यार इतने महान देश में रहते हैं यार, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। सो गाइज, तो गाइज भैया के पास एक कॉपी भी ली और मिल सकते हैं। हाँ आप कहाँ से हैं? हम यहीं का है। यहीं का ना, तो मतलब बांग्लादेश के लोग परेशानी कभी कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों नहीं करता है? क्या फिर भी चोरी करता है? घर में चोरी कर लेते हैं। अरे भाई साहब क्यों? डेंजर है। और बॉर्डर में उतना खास नहीं हुआ, जैसे चाइना बॉर्डर बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर ऐसा नहीं ना, नॉर्मल बॉर्डर ना, आते जाते लोग रहते हैं। चलिए भैया चलते हैं। छोटी वाली बैग में यार पानी गिर गया यार, पूरी बैग ख़राब कर दी। ये देखिए इसमें पानी था, पहले पानी पी लेता हूँ। यार जो जो अभी तक डोनेशन दिए ना उनका बोतल पे नाम नहीं लिखा, देखता परमानेंट मार्कर मिल जाएगा ना तो लिख दूंगा यार। और मुझे SBI इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए डॉकी इतना मतलब बॉर्डर के पास है बांग्लादेश और पहाड़ी इलाका में, फिर भी यहाँ SBI का ब्रांच है और ये ATM है। तो आई थिंक ATM तो लगता है अभी आई थिंक वर्किंग कंडीशन है कि नहीं यार। अरे यार ये तो ऑफलाइन है यार, मुझे पैसे निकालने थे, मैं तो फंस गया यार, ये तो फंसने वाला काम हो गया। तो इधर बिकता है यार बांग्लादेश के सामान, दिखाऊं आपको? दीदी ये इंडिया का है बांग्लादेश का? सब बांग्लादेश का सामान है। ये तो अपने इंडिया का है ना? ये तो इंडिया का। ये तो अपने इंडिया का यार। सो कुछ कुछ सामान दिखाता जो कि बांग्लादेश के हैं, ये तो बांग्लादेशी है। ये बिस्किट है ना, कितने की है ये? 100 रुपया। ये सब बिस्किट ही हैं। ये ब्रेड है ना, ये भी बांग्लादेश के? दीदी केक बांग्लादेश का, इंडिया का अपना सब बांग्लादेश, इंडिया। सो भाई देख सकते इतने सारे सामान इधर जो कि है बांग्लादेश का सामान। इधर जितना भी मार्केट सब ज़्यादातर बांग्लादेश के सामान बिकते हैं दीदी। अब इधर संतरे कैसे है? संतरे इधर कैसे दीदी? ये 50 रुपीज़। 50 रुपये में 4 पीस? इतने महंगे? इतने महंगे? ओ माय गॉड, अरे बहुत महंगे हैं। सो गाइस इधर के लोग हैं ना, लेडी लोग भी पान खाती है और वो सुपारी पान और चूना, ये क्योंकि इधर का ना नेचुरल होता है ना, इसलिए वैसे कोई ख़राबी नहीं करता। खांसी टाइप्स ना आप लोग हैं? खांसी टाइप्स ना दीदी? ये मिक्स कहाँ से आया? मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसे तो बोलिएगा तो मैं तो आप ही लोग के घर के हूँ। नहीं यूट्यूबर हूँ मैं, न्यूज़ पेपर नहीं हूँ। मैं से इंडिया घूम रहा हूँ। हाँ सो ये मिक्सचर भी बांग्लादेश का है, सारे चीज़ बांग्लादेशी का है। दीदी दुकान लगा रही है, आते तो खरीदते हैं ना बांग्लादेश। ये देखिए अंदर तो बहुत कुछ है, अमूल तो हमारा इंडिया का है। ये मिठाई बांग्लादेश का है? ओ माय गॉड, ये बांग्लादेश का है यार। मन तो बहुत कुछ खरीदने का पर क्या कर सकते हैं ना, बैग भारी है नहीं खरीद सकते हैं। सो वहाँ पर है ना डॉकी जो रिवर है ना वहाँ पर मिल जाता है, तो चलते हैं। चलते हैं दीदी, बाय बाय दीदी, चलते हैं बाय बाय। तो भाई चलते हैं, मार्केट तो इसी का है, मार्केट अच्छा है और यहाँ पर भी बांग्लादेश का सामान मिल रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी देख लेते कुछ नए प्रोडक्ट्स होंगे ना, देख लेते हैं। देखिए खासी टाइप्स का ड्रेस कुछ इस तरह का होता है। ये बिस्किट आई थिंक बांग्लादेश के हैं, ये बिस्किट बांग्लादेश के दीदी? कौन ये क्या लिखा हुआ इस पर? न्यूट्री। और दिखाता हूँ बांग्लादेश का सामान, ये भी बांग्लादेश का ना? हाँ। ये टॉफी बांग्लादेश का, इंडियन है ये? इंडियन है। हाँ। ये इंडिया के भाई, खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया बांग्लादेश, वो बोला इधर इंडियन सब आ जाएगा। ओ
ये मंच बांग्लादेश का ना, इंडियन है, बस जो यहाँ पे रखा हुआ बस वही है ना बांग्लादेश का। आपके पास बांग्लादेश का करेंसी होगा? करेंसी नहीं होगा, तो गाइस कोई बात नहीं, वो तो मैं ले लूँगा। वहाँ पर भी डॉकी रिवर है ना, वहाँ पे लोग बांग्लादेश के एंटर करते, वो दे देते हैं। पिछले बार आया था ना 25 दिसंबर को, तो लिया था, तो 1-10 का करेंसी किसी को दे दिया, उनको पसंद आ गया तो उनको दे दिया। चलते हैं दीदी, बाय। भैया भैया गाड़ी तो रुकी है, पर देखते जाएगी तब ना डॉकी। भैया आगे तक जा रहे हैं क्या? थैंक यू सो मच। भैया आगे तक जा रहे हैं क्या? इधर किधर जाएगा? डॉकी और रिवर के पास बैठ जाऊं? हाँ थैंक यू सो मच भैया। सो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं आई थिंक इस ट्रिप का लास्ट डे होगा, क्योंकि इसके बाद कब आऊँगा मुझे भी नहीं मालूम। फिर से एक बार देख ले रहा हूँ डॉकी यार, क्योंकि डॉकी दोबारा नहीं आऊँगा। अरे एक मुझे चाहिए 10 का नोट यार बांग्लादेश का, ताकि मेमोरी रहे। 10 का दो नोट ले लूँगा यार, एक क्यों दो ले लूँगा 10 का नोट। देखते इधर जो आते हैं ना खटमीट बैर बेचने, उन लोग रखते होंगे बांग्लादेशी करेंसी, तो उन लोग से मांग लूँगा डॉकी बोटिंग मेघालय इंडिया। देखिए इंडिया के लोग अभी तक आए भी नहीं, और बांग्लादेश के लोग आने घूमने के लिए आ गए हैं, वो सब जो है ना लोग बांग्लादेश के ही हैं। ओह अपने इंडिया के लोग थोड़ा लेट से उठते हैं ना, तो घूमने भी लेट से निकलते हैं। देखूँ आपको बांग्लादेश का सिगरेट दिखाता हूँ, तो आप लोग बांग्लादेश के भैया? बांग्लादेश के हैं ये, इधर भी बांग्लादेश का है, ये भी बांग्लादेश का है, ये सिगरेट है बांग्लादेश का। देखिए ये सब सिगरेट है गाइस, फिर भी तो बांग्लादेश का रहिए इंडिया का रहे तो ख़राबी तो करता है यार। स्मोकिंग इज यूजर्स फॉर हेल्थ ना, कोई ऐसा सिगरेट है जो ख़राबी ना करे? बांग्लादेश का भेद चाहिए सर। कितना खियाइएगा भैया? ये भेद का कितना खियाइएगा? अब तो मेरा आना जाना हो गया है इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर तो डॉकी घर ही हो गया है। फिर भी ये नहीं, ये नहीं है, हाँ खाया हूँ ऐसे, ये सूखे वाला ले लूँ एक भैया, कोई आपत्ति तो नहीं ना? ये ले लेता हूँ, ये ले लूँ, थैंक यू सो मच भैया, बहुत खाया भैया। अच्छा ले लो नॉर्मल है ये। आपके पास 10 का करेंसी होगा बांग्लादेश का? 10% का करेंसी बांग्लादेश का करेंसी होगा आपके पास? किसके पास होगा? मुझे दो चाहिए 10-10 का करेंसी। पिछले बार आया मुझे चाहिए बांग्लादेश का करेंसी, आपके पास बांग्लादेश का नोट है 10-10 का? नहीं नहीं। कितना का होगा? 10 का एक ही है, 10 रुपये देता हूँ मैं 10 रुपये। सो गाइस एक तो नोट मिला, और कोई नहीं, एक और चाहिए, दो चाहिए मुझे, देखो ना और कोई किसी के पास होगा उन लोग पास मांग के लाओ ना। देखिए ये बांग्लादेश का नोट है 10 का। देखिए यहाँ के मुताबिक है ना, यहाँ मतलब तो क्लीन है ही है रिवर, पर इसके मुकाबले उधर ज़्यादा क्लीन है। ये देखिए मछली कूद रही है। ओहो लास्ट टाइम देख रहा हूँ यार डॉकी को, कब आऊँगा पता ही नहीं है। ये देखिए पानी में कूद रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। सो चलते हैं, आप इंडिया से हैं? देखिए हमारे इंडिया के लोग आराम से बैठे हुए हैं, पर बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ जाते हैं। हमारे इंडिया तरफ अभी भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, और बांग्लादेश के देखिए लोग कितने आ चुके हैं सुबह सुबह ही। कितना बजा अभी टाइम? 9:17। और लास्ट टाइम मैंने जब 25 दिसंबर को आया था ना, तो वहाँ पर टेंट लगाया था। अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए यार। सो है ये यहाँ पर भी ये बॉर्डर है, देख लीजिए। कल वाले मैंने स्टोरी में पूछा था इंस्टा स्टोरी पे कि भाई ये क्या है, काफ़ी लोगों को कम जवाब आया कि मतलब ये क्या है। जो लोग जानते हैं तो वो तो ठीक है, ये अपना है बॉर्डर इंडिया का, उधर आई थिंक बांग्लादेश लिखा होगा, हाँ बांग्लादेश लिखा हुआ उधर, ये देखिए।
और वहाँ पे लगता है वो मार्केट बांग्लादेश का बॉर्डर है भैया, उसे क्या कहते हैं नाम? जाफरोंग, सिले जाफरोंग। ये देखिए, मैं आ सकता हूँ भैया इधर? नहीं आ सकते हैं यार, कितनी मतलब है अपनी बॉर्डर पे ही खड़े रहो। पासपोर्ट वीज़ा लगा कर आ सकता हूँ ना? पासपोर्ट वीज़ा लगा कर जरूर आऊँगा बांग्लादेश में। हाँ उधर से फिर मैं आऊँगा इधर, उधर से हाँ चेक पोस्ट से आऊँगा और फिर उधर से घूमने का आ जाऊँगा इधर। जब तक इधर पे तो चेकआउट नहीं करेंगे। हाँ, इधर नहीं आएगा। वो मार्केट लगता है उधर पे, टूरिस्ट प्लेसेस ना। आप लोग सब फोटोग्राफर है ना? यार हमारी कैमरा घर पे रख दिया यार, अब मिस शॉट करता हूँ। ये तो वाइट लेंस है ना? कितने चार्ज लेते हैं भैया? फोटो 30 रुपीज़ लेते हैं। 30 रुपीज़ हमारे लिए कुछ डिस्काउंट होगा? ठीक है 20 रुपीज़। नहीं भैया ऑर्डर दे खींचा होगा। कितनी फोटो खींचा, फोटो खींचा के वीडियो बनाते बनाते तो बोर हो गया। फोटो क्या करूँगा, फोटो खींचा तो बांग्लादेश का करेंसी होगा 10 का? नहीं, 100 क्या करूँगा, 50 का तो उतना करेंसी क्या करूँ। फिर बांग्लादेश अभी टूरिस्ट वीज़ा मिल नहीं रहा, इसके वजह से फिर तो आने में वेस्ट जाएगा ना। अभी मिलता नहीं है जो यूट्यूब करने की। हाँ वो बिक रहा थी ना भुंजा, वो मोरी मिलता है। मोरी मोरी हाँ भाई, इधर सब थी वो होता है ना, सब कुछ होता है ना। वो तो वाशरूम हो गया यार, कपड़े का वाशरूम बना हुआ, कपड़ा टॉयलेट सभी को। देखिए बांग्लादेश वाले सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं ना। इंडिया के लोग देखिए कितने सुस्त हो गए, अभी भी सुबह 9 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। सो चलते हैं, अब हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पर डिस्टिनेशन, चलने का टाइम हो गया गाइज। या सो गाइज सीन कुछ ऐसा हुआ कि जस्ट अभी डॉकी ब्रिज के पार कर रहा था और एक बंदा मुझे मिला, आई थिंक देखते हैं ट्रेवलर है कि क्या है। नहीं सर मैं बोटिंग कितना करूं, मैं तो यहां का खुद हो गया हूं, काफ़ी बार आया हूं। भैया कह रहे हैं कि बोटिंग नहीं करेंगे। अरे भाई बहुत बार आया हूं डॉकी, 25 दिसंबर को भी आया था, स्नोपर डो थी क्या नाम है? हाँ नहीं नहीं वो अस्नोवा स्नो प्रैंक ना, स्नो प्रैंक में भैया लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया मुझे। क्योंकि मैं बजट ट्रेवलर ना हूँ, ऐसे ही घूमते रहता हूँ पूरा इंडिया, वहाँ पर जीप लाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया मुझे। तो देखते हैं गाइस कितनी देर में आते हैं। किधर है डॉकी? तो अब घर जैसा हो गया यार, आने के बाद मेरा ना पता चल जाता है कि डॉकी में क्या क्या है। इतना घूम लिया डॉकी ना, इतना डॉकी घूम लिया ना कि अब पता ही चल जाता है किधर से रास्ते हैं। चलिए आइए आइए सब, या 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 आइए 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 आइए। तो पहले बातचीत करते हैं ना, बैग दीजिए आप, एक पहले बैग दीजिए। चलिए बैग भैया का एक ले लिए, मैं अपना बैग ऊपर रख दिया यार, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा नहीं तो बैग लेकर कोई भाग जाएगा। पुणे ब्रो। ओ माई गॉड यार पुणे से यार हमसे ज़्यादा दूर है ये। सो गाइस भैया पैंट बदल रहे हैं, पैंट नहीं जींस खोल रहे हैं क्योंकि पता है इनको कि जींस पहन कर लिफ्ट नहीं मिलेगी, ठंड काफ़ी थी ना। हाँ इसकी वजह से तो आपको बता देता हूँ कि अगर लिफ्ट मांगते हैं ना तो जींस पहन के नहीं मांगिएगा, लिफ्ट नहीं मिलती है भैया, आपको पता है कि नहीं बात? हाँ पता है तो है। आपको VIP देखिएगा तो कोई नहीं लिफ्ट देगा। नहीं यार ठंड थी ना। हाँ रात में ठंड थी और टेम्परेचर 2-3 डिग्री हो गए। आप कहाँ से आए हुए भैया? मैं पुणे से हूँ। पुणे से, आपका नाम? मेरा नाम है शुभम। शुभम, और आपका यूट्यूब चैनल का नाम? यूट्यूब चैनल का नाम है वैसे नोमैडिक शुभम, बट एक बड़ा चैनल है नोमैड शुभम का, इस वजह से मेरा सर्च में नहीं आ रहा पहले तो। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखना चाह रहे हो तो आप मुझे सर्च कर सकते हो माई फर्स्ट हिचहाइकिंग एक्सपीरियंस, तो पहला वीडियो मेरा आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे भाई अच्छा लगा तो 1000 में कितना बच रहा? 40 भाई, मेरे 200-300 व्यूअर आते हैं यार, उसमें 40 लोग कर देना सब्सक्राइब यार, बन के हो जाएगा भाई का कम से कम। चलिए मिलकर अच्छा लगा। सो अभी वहाँ जा रहे हैं अपना। देखिए बांग्लादेश के कितने लोग आ गए हैं यार, सुबह सुबह ही बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं, इंडिया वाले लेट से आते हैं। आपने कहाँ पे कैंप लगाया था? कैंप तो यहाँ पर नहीं लगाया था मैंने। हाँ? 10 मिनट नीचे बैठा था थोड़ा। तो रात में कैंप कहाँ लगाया था? कैंप तो चेरापुंजी और माल यहाँ पर आते हैं ना, इससे क्लिनिक विलेज नहीं उससे पहले जो
टर्न ने ऊंचा लगाया था मेरा। आप चैनल सर्च कर लो, देख लो। हां देख ले रहा हूं भैया। यार भैया का माल थोड़ा ठीक है, अच्छा है यार। मोबाइल से वीडियो बनाते हैं ना, मोबाइल से बनाते हैं। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा ना कि हम खड़े खड़े लिफ्ट मांगते हैं, आज बैठ के लिफ्ट मांगे, देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तो गाइस 1:30 बज चुका है और अभी तक हम शिलोंग ही पहुंचे हैं और देखते हैं क्या होता है यार। मुझे जाना है त्रिपुरा, तो जो आज पहुँच पाते तो ठीक है, नहीं तो सीधे सिलचर के लिए निकल जाएंगे, सिलचर में स्टे करके उसके नेक्स्ट डे फिर मैं त्रिपुरा निकलूँगा यार। फिर त्रिपुरा का गाड़ी डायरेक्ट मिल जाएगी, फिर त्रिपुरा भी निकल सकता हूँ यार। जैसा वो डिपेंडेंट है कि लिफ्ट कैसी मिलती है, उसके बाद ही ना आगे बढ़ूँगा। सो गाइस मेघालय में इस तरह का गाड़ी जो टैक्सी है ना, ये ज़्यादा मिल जाएगी आपको देखने के लिए, जो कि आपको जहाँ भी जाना है डेस्टिनेशन में तो आप बुक करके जा सकते हैं। सो हमारा काम तो बुक करना नहीं है, लिफ्ट मांगना है। सो लिफ्ट मांगते हैं, देखते हैं मिलती है कि नहीं। और नॉर्थ ईस्ट का कुछ ऐसा सीन है कि 4:30 से 5 होते तो ये चांद साहब दिख जाते हैं यार। और आज 6 बज चुका है, अभी तक कैंपिंग लोकेशन नहीं ढूँढे। सो जा रहे हैं, यहाँ पर चर्च है हाईवे के बगल में, तो चर्च में रुकने का प्लानिंग किए हैं। चर्च में देखते हैं रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कहीं और लोकेशन ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं तो रुकना भाई, अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आज ज़्यादा तो 200 किलोमीटर भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं मांग पाए आज का दिन। The next day. So guys, लास्ट नाइट मैंने यहीं पर रुका था, फादर्स ने अलाउ कर दिया था कि आप रुक जाइए यहाँ पर, तो रूम प्रोवाइड नहीं करे थे, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।